नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका देसी हेल्थ उपाय चैनल में। दोस्तों, हमारे ही कुछ व्यूवर्स भाई बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भैया डार्क सर्कल को हटाने के उपाय बताइए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि डार्क सर्कल आपके ज़िंदगी भर के लिए हट सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे आपको किसी भी प्रकार से मानसिक टेंशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो भी बीमारी हमें होती है उसका है मानसिक टेंशन, क्योंकि जिन व्यक्तियों को टेंशन होती है वे अंदर ही अंदर घूटते रहते हैं, जिसके कारण न ढंग से खा सकते हैं न ढंग से सो सकते हैं, और इसी का नतीजा होता है किसी बीमारी का उपजना। अब डार्क सर्कल की बात ले लीजिए, जिन लोगों को अधिक टेंशन होती है, जो लोग बराबर खाते पीते नहीं है, जिनकी नींद बराबर नहीं होती है, ऐसे लोगों को ही डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है। अब आप में से कुछ लोग मुझे भी गौर से देख रहे होंगे कि भैया उपाय तो बता रहे हैं, लेकिन उनको डार्क सर्कल है या नहीं है चलो देख लेते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मुझे डार्क सर्कल है या नहीं है, देख लीजिए अच्छे से। आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि भैया को भी तो डार्क सर्कल हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ भैया, मुझे भी अभी थोड़ी सी एक दो महीने से टेंशन हो गई है, क्योंकि मेरे पास खुद का घर नहीं है और मैंने घर बुक किया है, उसके लिए मुझे बहुत पैसों की आवश्यकता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप लोगों से मैं नहीं मांगूंगा, आप मेरे वीडियो को शेयर कर देंगे यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब डार्क सर्कल हटाने का उपाय देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया उपाय है दोस्तों, और इससे 100% आपके डार्क सर्कल निकल जाएंगे, मिट जाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा आलू ले लीजिए, आलू का कद्दूकस कर लीजिए, मींस उससे रस निकाल लीजिए, कम से कम 1 से 2 चम्मच रस निकाल लीजिए। अब इसमें यदि दूध की छाई मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, दूध की छाई 1/2 चम्मच मिक्स कर दीजिए और 1/2 ही चम्मच इसमें हल्दी मिक्स कर दीजिए। इन तीनों का एक पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को जहाँ पर भी डार्क सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, काला भाग दिखाई दे रहा है, ऐसे भाग पर आप लगाकर 1/2 घंटे कम से कम रख लीजिए, उसके बाद चेहरा आप धुल सकते हैं। इस उपाय को कम से कम 15 दिन जरूर करिए, आपके डार्क सर्कल हट जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि आपको टेंशन है किसी भी प्रकार की, अंदर ही अंदर घुलते जाते हो आप, तो फिर से हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना। दोस्तों, समस्याएं सभी के साथ लगी है, टेंशन सभी के लाइफ में आती है, मेरे भी लाइफ में अभी टेंशन आ गई है, आपके भी जीवन में कोई ना कोई टेंशन होंगी। इन टेंशनों से निकलकर सुखी जीवन की तरफ चलना ही ज़िंदगी है। अच्छा लगे तो भले ही इस वीडियो को लाइक मत करिएगा, लेकिन अपने दोस्त भाई रिश्तेदार में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।